काश्तून कोलीवार ये तीन हलकों पे मुश्तमिल है, हलका वलीवार, चूंटवार और चाथन गुलाबपुरा। जहाँ तक हमारे इलाके की आबादी का ताल्लुक है, हमारे इलाके की आबादी तकरीबन 15 से 16 हज़ार के करीब है और इसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ST तबका से ताल्लुक़ रखती है, यानी तकरीबन 80% पॉपुलेशन जो है वो ST है। जहाँ तक इलाके के मसाइल का ताल्लुक है वो बहुत है और सबसे बड़े मसले जो हैं इस दिन में, इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद भी हमें NTPHC यहाँ है, उस पर एक डॉक्टर भी सेंक्शन हुआ है। मज़ीद यहाँ के लोगों की एक देरीना मांग थी कि हमें NTPHC नहीं, एक फुल फ्लेज PHC चाहिए जिसमें सारी सहूलियात लोगों को मैसर हों, ताकि हमारी माएँ बहनें जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से ऊपर तकरीबन 8-10 किलोमीटर ये एरिया जो है और ऊपर फैला हुआ है, वहाँ से वो माँ वो बहन अपने टेस्ट के लिए अपनी तशखीस के लिए लाहौर हॉस्पिटल जाती है। अगर ये फैसिलिटी हमारे इलाके में होती तो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट का है जो पिछले 15 साल से गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सेंक्शन किया हुआ है, उसका एक स्टेप हुआ भी है लेकिन होके रुक गया है। सारा इलाका यहाँ कोई भी इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है, पूरा ड्राई इलाका है, कोई भी इरीगेशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर हमें इरीगेशन फैसिलिटी होती तो ये हम कम से कम हम सब्जियां तो पैदा कर सकते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है, हम सब्जी के लिए भी तरसते हैं और हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं, बागात हमारे ख़त्म हो गए हैं। अगर इरीगेशन फैसिलिटी होती तो हमारे बागात हरे भरे, ये पूरा इलाका इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। इवन एक स्टेप उसका जो चाथन लार कनाल से चाथन गुलाबपुरा तक हुआ भी है, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों की अदम तवज्जो की वजह से वो मसला रुका पड़ा है। बारहा हमने आला हुकाम की नोट्स में भी लाया लेकिन गरीबों की कौन सुनता है। मेरा नाम अब्दुल करीम चौधरी, सूंठलीवार, हल्का सूंठलीवार ए। 2014 में जो हमारा लिफ्ट इरीगेशन सेंक्शन हुआ था, वो लिफ्ट इरीगेशन हमारा ये है जो अभी तक आज तक हमें धोखा देकर इन्होंने रखा। वो पाइपें यहाँ आधे रास्ते तक लाकर डाल दी और इसका इनको गवर्नमेंट को इसका इरीगेशन वालों को टास्क से मस हुआ नहीं। कई मीडिया आई, कई DC साहब के पास गए, गवर्नर जीसी मुर्मू साहब किससे आप मिले, इसमें हमारे साथ इतनी बहुत बड़ी हेल्प गांधरबल के XML शेख इशवाक जुबार ने की, कहने की बात ही नहीं। 2 प्रोजेक्टों में हमें उसने बहुत बड़ी हेल्प की, एक लालमर्ग रोड, एक इस लिफ्ट इरीगेशन। इस लिफ्ट इरीगेशन में हमारे साथ उसने बहुत बड़ा ताउन किया, मगर आज तक इसका काम शुरू नहीं हुआ, यहाँ ही रुका हुआ है, यहाँ ही पड़ा हुआ है। ये हमें नहीं समझ आती है कि ये वजह क्या है। मैं DC साहब से अपील करता हूँ, खासकर मैं DC साहब से अपील करता हूँ कि इसके कागज़ मंगवा कर इसको देखें कि क्या वजह है। कम से कम 20,000-25,000 लोगों से ज़्यादा मानो फ़ायदा मिलेगा। हाँ, यहाँ बहुत बड़े, यहाँ पे 3 हलके हैं, सूंट वलीवार, वलीवार और चांतन गुलापुरा। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों हमें आज तक खासकर हमें दिया है धोखा, बहुत सबसे बड़ा धोखा दिया है लिफ्ट इरीगेशन। मैं अब जो हमारे DC साहब आए उससे मैं अपील करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि वो ये नाला देख कर रखे कि हमें लोगों को कितनी सख्ती है, कितनी परेशानी है, कि इसमें हम लोगों को कितना बड़ा इसका मानो कितना बड़ा नुकसान है कि ये लिफ्ट इरीगेशन बराबर ना हुआ। बाकी डिपार्टमेंट लिखे क्या लिखे वो हमें उसके से वास्ता नहीं। इसकी पाइपें आधी उधर डाली हुई हैं, आधी नीचे डाली हुई हैं, उससे हमें ये इन्होंने ये क्यों किस वजह से बांध रखा है। ज़िम्मेदार अगर किसी की वजह से बांध रखा है, उसकी कोई मानो कोई सर्विस की मांग है तो क्यों नहीं देते। अगर वो नहीं, अगर उसको कोई मुआवजा देने का है तो वो क्यों नहीं देते, क्यों हमें लोगों को लड़का कर रखा है। मेरी यही गुजारिश है LG गवर्नर साहब से भी, इसको DC LG DC मुर्मू साहब ने
जीसी मुर्मू साहब ने इसको ओके किया था। उसने भी दो प्रोजेक्ट जीसी मुर्मू ने एमएलए शेख इशफाक जुबार के साथ हमारा एक वफद मिला उसके साथ उसकी वसात के साथ ये दो पहले ये प्रोजेक्ट उठाए। चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ थे, तमाम आरएनबी के चीफ भी थे, सब थे, मगर वहाँ वो ज़मीन पर आए गए। हमें मैं यही अपील करता हूँ इस वक्त खासकर डीसी साहब जो गांधरबल के डीसी साहब हैं उससे और एलजी गवर्नर साहब से कि ये दो प्रोजेक्ट हमें जल्दी होना चाहिए। हमें बहुत बड़ा धोखा दिया और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की दो डिपार्टमेंट थे, एक आरएनबी और एक अर्गेशन वाला।